बात धर्मांतरण की कर ले, इसका जिन भी कई बार प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए और कई बवाल कटा है, उन्नाव और कानपुर दो जगह तस्वीर देखने को मिली है धर्म परिवर्तन को लेकर, वो भी जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर। यहाँ हिंदू दल के कार्यकर्ता जो हैं और तमाम जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हुए, क्योंकि ये उनका आरोप था कि क्रिश्चियन मशीनरी के द्वारा वो जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। जैसे ही खबर आग की तरह फैली तो उन्नाव में कुछ ग्रामीण जो हैं और वो पहुंच जाते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस आती है और मामले की छानबीन, हालांकि ये बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ये जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए कैंप तक लगाया गया। उन्नाव और कानपुर दो जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, दोनों जगह से धर्मांतरण की खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर जबरन हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और यह खबर जैसे गांव वालों को लगती है, पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है, गांव वाले जो है वो पहुंच जाते हैं और वहां पर विरोध करने लगते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब खबर मिलती है तो वो भी उन्नाव में भी और कानपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता स्पॉट पर पहुंचते हैं और वहां पर विरोध दर्ज कराते हैं। पुलिस जो है दोनों जगह पर उन्नाव और कानपुर में पहुंची है। फिलहाल छानबीन की बात कही जा रही है कि किस तरह से कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। चलिए आपको सुनवाते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। यहाँ ईसाइयों द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना हमें मिली थी, उसी के पर्पस में मैं यहाँ पर आया हुआ था। अच्छा। हिंदुओं को बचाने के लिए तो मैंने यहाँ पर आकर के सूचना कोतवाल को दी, कोतवाल साहब मौके पर पहुँच करके इसे कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्नाव से हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे अश्विनी का। अश्विनी, ये जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था या जनरली जो ईसाई लोग बातचीत करके, हिंदू हो या किसी और भी धर्म के लोग हो, उनसे बातचीत करके कई बार वो अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या पूरा मामला था जानना चाहेंगे, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है। ये देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल जबरन सी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मगर जैसे कि गांव वालों को कहना है कि यहाँ हर हफ्ते सप्ताह और में एक दिन यहाँ पे सत्संग होता है, सत्संग के दौरान लोगों को ईशा और धर्म परिवर्तन के बारे में बताया जाता है, जिसको कट्टरवादी बनाया जाता है। ऐसा अगर बात की जाए तो इस तरीके देखते हुए एक गाँव का ही रहने वाला युवक है जिसने इसको लेकर शिकायत की थी, और फिर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो सामने आए और इस मामले को लेकर पुलिस के सामने भी रखा गया, और मामला रखने के बाद सामने फिर यही बात सामने आई कि हम सिर्फ यहाँ पे सत्संग कर रहे थे, ना कि किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मगर बजरंग दल के लोगों का कहना है साफ तौर पे कि ये पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन और ईशा की बातें बताई जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है, और ये एक बार नहीं, ये कैंप लगा के पूरी तरीके से लगभग 100 से 150 आदमियों को बैठा कर पूरी बातें की जाती है। जी अश्विनी, क्या क्रिश्चियन मिशनरीज के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है कि उनकी तरफ से उनका क्या कहना है, क्योंकि इस तरह के कैंप तो कई बार उनकी तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई में यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था? जी देखिए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो कैमरे से बचते हुए नजर आए, इसी मामले में हमने पुलिस से भी बात करी और अपनी बात रखने के लिए कि क्या पूरा मामला है, क्या चीजें हैं, जिसके बारे में पुलिस भी अपने आप को पीछे खींचते हुए नजर आई। अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय सीओ की, तो क्षेत्रीय सीओ से भी हमने बात की, पहले तो उन्होंने फोन उठाया ही नहीं, फोन उठाने के बाद जब मेरी बात हुई तो बोले हाँ बाइट करके, एक फॉर्मेलिटी में बोला कि एक बाइट करके भेज दी जाएगी। मगर अगर खुल के अगर बात की जाए इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सामने पुलिस भी नहीं आने को तैयार है। हमने क्रिश्चियन धर्म के लोगों से भी बात की तो उसमें से एक बंदा सामने आया, वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहा था, उसका कहना था हम लोग सिर्फ यहाँ पे सत्संग करते हैं और ना कि किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आपको बता दें एक गुप्त गांव के गुप्त कैमरों द्वारा खींचा गया है, एक गांव का ही युवक है जो कि बता रहा है कि गुप्त कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है कि यहाँ पे किसी प्रकार का, तो अश्विनी क्या वो तस्वीरें पुलिस अधिकारियों को दी गई है, क्योंकि पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है और पुलिस की तरफ से उनका वर्जन नहीं आया है। अश्विनी जी देखिए, तस्वीर की अगर बात करें तो पूरे मौके पर दो थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, वार्तालाप करके मामले को शांत कराया गया है, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर बात की जाए धर्म परिवर्तन के जो लोग थे उनको वहां से रवाना कर दिया गया था, जब तक मौके पर और टीमें पहुंचती तब तक उस मामले को शांत कराया जा चुका था। अगर बात करें तो बजरंग दल के लोग अभी भी उस मामले को लेकर मीडिया के सामने आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।